जो साथ में बैठे हुए हैं ना क्राउड में, मेरे को उनका समझ नहीं आ रहा इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं तेरे सिवा मोहम्मद बाय अजीज मिलन जी का रिएक्शन। सो ये जो है वीडियो, ये एक कवाली वीडियो है। अजीज मिलन जी जो बहुत बड़े शायर कवाल हैं, तो उनकी ये वीडियो, हमने इनको कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं, तो हमारा फर्स्ट टाइम होगा। जहाँ तक कवाली की बात है ना, तो हमने नुसरत फ़तेह अली खान जी की सुनी हुई है। सो यहाँ पे हम एक सुनेंगे, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद को रेफ़र करते हुई है। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा और बहुत सत्कार होगा। सो वो सुन लेते हैं एक बार। और लाइक हम लोगों ने कभी भी, शायद मुझे जहाँ तक लगता है, हमने कवाली नहीं सुन रखी है, या सुनी होगी तो एक या दो ही सुनी होगी। तो लाइक सीरियसली मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और सच बात बताऊँ, मैंने कभी ना, मतलब रियल लाइफ में कभी भी कवाली नहीं सुनी है, ठीक है। और मैं सीरियसली सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं फिर ये वाली वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता। मियां मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता, वारफ्ते इदराक नहीं हो सकता। सरकार दो आलम की मोहब्बत के बगैर इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता। वाह, हो हो हो। लकब लकब खुदा से मोहम्मद को लाजवाब मिला। मियां लकब खुदा से मोहम्मद को लाजवाब मिला। बने हबीब तो महबूब का खिताब मिला। वाह, सबब अल्लाह, सबब ये पर्दे का मेराज में हुजूर से था। कहे न कोई के माशूक बेहिजाब मिला। हो हो हो। ये तो बस शुरुआत है। गर्दों पे घटा झूम के धानी आई। मियां गर्दों पे घटा झूम के धानी आई। कौसर की खबर, कौसर की खबर इनकी जबानी आई। जब जुल्फ को बिखरा के मोहम्मद आए, दोषी सहे रहमत पे जवानी आई। हो हो। कमाल, जैसे वो डिस्क्राइब करते हैं ना, वो चीज बहुत कमाल की होती है। दुनिया में हंसी तो लाखों है, दुनिया में हंसी तो लाखों है, दुनिया में हंसी तो लाखों है, दुनिया में हंसी, दुनिया में हंसी तो लाखों है। दुनिया में हसी,
अलग ही पैशन है, स्टाइल है इनका करने का। एक दिन यू जिब्राइल से कहने लगे, शाहे उमम तुमने तो देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। कि अब जिब्राइल ऐसा तेरे रुख की कसम, आफाका गर्दी दाम मेरे बुता वर्दी दाम बिशियार खूबा दी दाम, लेकिन तो चीजें दी गरी तेरे सिवा तनवीर मुझे संतोष। कितना पैशन है आपका, जोश देखने वाला है। हम फिर जमाने में चार जानिब, अच्छा। निगारे यत्ता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुम सा तुम्ही को देखा। अगर के इस गुलशन जहां में हजारों गुल हैं बरंगे दीगर बने के खुशबू बरू है परवर, सदा महकता तुम्ही को देखा तेरे सिवा तनवीर मुझे सब। वाह, ये शायरी और कवाली ये जो चीजें है ना, ये पाकिस्तान में भर भर के। तनवीर मुजस्सम कोई नहीं, मुखचंद्र बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, कली जुल्फ तेरख मस्तानी है, महमूद अकी अहमद भरिया तेरे सिवा तनवीर मुजस्सम। हर पैराग्राफ में अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, किसी में बताया कि पूरी दुनिया देख ली लेकिन आपसे सुंदर नहीं देखा, और इसमें बताया कि कैसे उनकी फीचर्स के बारे में बताया। वाह, जब जब करीब अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, नियत तब ख्याल आया करे ना लेन पाँव से जुदा, गैर से आई निदा, गैर से आई निदा, ये कर्ज है क्या आपका, तुम पे ना लेन आओ मुस्तफा। क्यों कांपता है अर्श, कांपता है अर्श, ये तालिब ना लेन है और चूम लेने दो इसे ना लेन, ये बेचैन है। कांपता है अर्श नवाज़िश, ये तो तालिबे नालैन है, मियाँ चूम लेने दो इसे नालैन, ये बेचैन है। अब की फिर आपने आए खालिक जिन्नो बशर, क्या सबब है तूर पे जब तू हुआ था जलवगर, हुक्म था मूसा को अल्लाह हो गई, हुक्म था मूसा को करे नालैन पाँव से जुदा, और मैं नालैन मुझको अर्श पे बुलवा लिया।
तो गैर से आई निदा हामिया, गैर से आई निदा, इस बात पर भी गौर हो, मियां तुम कहा मूसा कहा वो और थे तुम और हो, और या मोहम्मद वो नबी थे तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, वो फकत तालिब थे तुम तालिब भी हो मतलूब भी, अर्श की जीनत तुम ही हो मुस्तफा, फरिश्ते तो फरिश्ते, खुद खुदाए पाक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लू अला नबी, तेरे सिवा तनवीर है मुझे। इसे पता था हजरत मोहम्मद जैसा कोई नहीं। सूरत बूढ़ा तेरी लामका में बंदी हवा, तू आहद हुआ बलगल उला में कमाल ही तेरे सिवा तनवीर मुझे। जो साथ बैठे हुए हैं ना क्राउड में, मैं को उनके समझ नहीं आ रहा हूँ इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं, इतनी एनर्जी है ना सिंगर के अंदर, अजीज मिलन सर के अंदर, वाह। मुनव्वर हामिया, मुनव्वर जिस तरह से, मुनव्वर जिस तरह से चांद है तारों के झुरमुट में, हामिया मुनव्वर जिस तरह से चांद है तारों के झुरमुट में, शमा जिस तरह से जलती है परदारों के झुरमुट में, मसीहा जिस तरह बैठा हो बीमारों के झुरमुट में, बरोज़े हश्र आए ईमान वालों बस इसी सूरत मोहम्मद मुस्तफा होंगे गुनाहगारों के झुरमुट में, तेरे सिवा कोई पर्दे में पर्दादार को देखा, किसी ने आंख के पर्दे में पर्दादार को देखा, किसी ने सर दिया और रहमत गफ्फार को देखा, किसी ने दार पर चढ़कर
जमाल यार को देखा, मोहम्मद अर्श आदम पर गए और यार को देखा। किसी ने आग के पर्दे में बर्दादार को देखा, किसी ने सर दिया और रहमत गफ्फार को देखा, किसी ने दार पर चढ़कर जमाल यार को देखा, मोहम्मद अर्श आदम पर गए और यार को देखा, दलीलें पेश करके बख्शवाया अपनी उम्मत को गुनाहगारों का हामी, अहमद मुख्तार को देखा, तेरे सिवा कोई नहीं। सारे सुन के वाह कमाल। नूह को जब मौजे तूफान में कनारा मिल गया, नूह को जब मौजे तूफान में कनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुफ्फे नजारा मिल गया, हुस्ने यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो हो, तेरे सिवा क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुरान न बदला जाएगा। क्यों? कुरान का
कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है। कुरान हर एक उगदे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बशारत भी बसर भी, कुरान नजायर भी नदारत भी नजर भी, कुरान तासुर भी मवसर भी असर भी, कुरान में चेहरा भी समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी सिदा के समर भी, कुरान में अजल से अबद तक की खबर है, कुरान ही में तज़किरा है जिन्नो बशर है, कुरान की आयात में रातें भी है दिन भी, कुरान में इंसान भी शयातीन भी जिन भी, कुरान को मंगवाए करम जो तो फका है, कुरान इनायत से आता है, कुरान तो इंसानों पे एहसान है रब का, कुरान हकीकत में हसीना है अदब का, कुरान तो गंजीना है असल उसूल का, कुरान मौजदा है खुदा के रसूल का तेरे सिवा। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये बेसिकली प्रोफेट मोहम्मद पे थी और कुरान पे थी। उन्होंने ये कहा था कि जो कुरान है ठीक है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो ना कभी बदला जा सकता है ना ही वो कभी बदलेगा। उसमें ऐसा है कि हम जैसे मानते हैं कि मुस्लिम्स की जो बाकी जो रिलीजन्स की बुक है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जो इंसान उसने चेंजेस करे हैं ठीक है, वर्ड्स के चेंजेस किए हैं, मतलब थोड़े बहुत सीनैरियोज के चेंजेस किए हैं, लेकिन कुरान है वो अल्लाह की पाक किताब है, वो बहुत पाक है, उसमें कोई चेंजेस ना ही कभी कर सकता ना ही वो कभी करेगा। और फिर उसके बाद यही बोला था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अल्लाह के ही प्रॉफिट है और उनको मानना चाहिए। और सीरियसली बहुत अच्छी कवाली थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे को वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं कवाली सुनना, हालांकि हम लोगों ने इतनी नहीं सुनी है, पर सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जिस हिसाब से ये गा रहे थे ना, बहुत सुंदर था, इनकी आवाज़ की जितनी तारीफ़ करे कम है, तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। वही अच्छा, वो पूरा इसकी जो लिरिक्स थे ना वो दिल छूने वाले थे, लेकिन वो कैसे स्टार्ट ऐसे हो कि तेरे सिवा कोई नहीं, और फिर उन्होंने जब बताते कि डिस्क्रिप्शन में ना, तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते ना, हमारे को एक्चुअल तो पता नहीं है कि वो कैसे दिखते थे, बट सिर्फ इमेजिनेशन में ही उनको ऐसे बताया गया कि लाइक उनके जो चेहरे के बारे में बताया गया, उनके जुल्फों के बारे में बताया गया, हर एक चीज़ के बारे में ऐसे डिस्क्राइब किया गया, और उसके बाद फिर कैसे उनको बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर किया कि भाई मैंने सब दुनिया में देख लिया, सबको देख लिया, पर तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, वैसे डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में कैसा कि भाई अल्लाह ने उनको भेजा, और फिर एक वो पैराग्राफ मुझे सबसे प्यारा लगा था जब उन्होंने ये कहा कि भाई कैसे कि हर एक जो प्रॉफिट थे उनको कोई ना कोई सहारा मिल गया, पर हम जैसे गरीबों को हमें मोहम्मद का सहारा मिल गया, तो वो बहुत प्यारा था। तो ऐसे ही करके उन्होंने जिस तरीके से बनाया होता, और इनकी जो पैशन था गाने का, कैसे कोई इनको सिर्फ बैठ के सुन सकता, बिकॉज ये उठ उठ के मतलब वो कर रहे थे और ये बता रहे थे जिस तरीके से, लाइक वो एक्चुअली बात कर रहे हो ना उनको ही डिस्क्राइब करके वैसे, तो बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और बाय।